नमस्कार, किचन शेफ मास्टर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मसाला पनीर, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अब हम मसाला पनीर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिए हैं, जिसे हम घर में ही बनाकर तैयार किए हैं। दोस्तों देखिए, इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसे हम डाल देते हैं और अच्छी तरह से हाथ से इसे मिक्स कर देंगे, ताकि ये सारे पनीर पे आ जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो देखिए, पनीर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। और हमने ये दो बड़ा प्याज लिया है, जिसे हम छील कर ले लिए हैं, और इसे हम इस ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। इसे बारीक बारीक ग्रेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और इस तरह से इसे हम पूरे प्याज को ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, प्याज को हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं, और जो बड़ी बड़ी थी उसे हम चाकू से भी महीन कर लिए हैं। तो चलते हैं पनीर को बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए, एक नॉर्मल कढ़ाई ले लिया है हमने, कोई भी नॉन स्टिक नहीं लिया है, ये वही कढ़ाई जो हर घर में होती है। तो इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसे धुआं ना निकलने लगे। देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया और इससे धुआं भी निकल रहा है, तो गैस को अभी हम बंद कर देते हैं और पनीर को फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ही हल्का फ्राई करना है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये पनीर सख्त हो जाएंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। पनीर को हम निकाल लिए हैं और तेल अभी भी गर्म है हमारा, गैस ऑन कर दिए। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा, छोटी सी दालचीनी, दो लौंग और दो हरी इलायची। इसे पकने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीरा हमारा भून गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन। अब हम अपने ग्रेट किए हुए प्याज को डाल देंगे। तो प्याज को गलने के लिए हम डाल देते हैं इसमें नमक। नमक हमने पहले भी डाला था पनीर में भी, और थोड़ा सा और हम बाद में भी डालेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह से मिलाते हुए इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसे गलना निकल जाए। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा अच्छी तरह से भून गया है और ये तेल भी रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दिए, और ये काली मिर्च का पाउडर है, इसे भी डाल देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर है। अब हम इसे मिला लेते हैं। इस समय में आप गैस का फ्लेम थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि मसाले सूखे हैं तो जल सकते हैं। और 1 चम्मच हम बेसन डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा ग्रेवी का। और अच्छी तरह से इसे मिला लें, और थोड़ी सी हम डालेंगे कसूरी मेथी, इसे हम हाथ पर क्रश करके डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसे अभी हम भूनेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमें मसाले को और भूनना है, और इसमें पानी नहीं है तो थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे और फिर हम भूनेंगे। तो देखिए, मसाले ने तेल रिलीज कर दिया है, यानी कि अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। 1 गिलास पानी हम डालेंगे। अगर आप चावल में के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी डाल लें। और देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा, इसे जरूर डालिएगा।
और इसे हम एक उबाल आने तक ढककर पकाएंगे। तो इसे हम ढक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम अपनी पनीर को इसमें डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा बन गया है मेरा पनीर, और कलर भी कितना सुंदर आया है, क्योंकि हम इसमें कश्मीरी मिर्च डाले थे, जिस वजह से कलर हमारा बहुत ही सुंदर आया है। तो देखिए दोस्तों, पनीर रेडी हो गई है। अब हम थोड़ी सी इसमें और गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और हल्की सी कसूरी मेथी ऊपर से छीट देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं, और इसे मिला देते हैं। गैस बंद कर दिया है हमने, और अब हम अपनी पनीर को फटाफट से सर्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पनीर को हमने सर्व कर दिया है, और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है आप देख सकते हैं। और कलर भी, इसमें हमने कोई भी टमाटर वगैरह यूज नहीं किया है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे आप लोग जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।